लखावटी कबड्डी एकेडमी बेहतरीन टीम भाई। दिल्ली और लखावटी का मुकाबला देखने को मिलेगा, बेहतरीन टीम है सारी, जबरदस्त मुकाबला दिल्ली वर्सेस लखावटी बुलंदशहर। दूसरा मुकाबला कोशी प्रो कबड्डी लीग का दूसरा मुकाबला, दोनों टीमें भाई पहुंच चुकी हैं, बेहतरीन टीम दोनों ही। गौरव जबरदस्त कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, बेहतरीन खिलाड़ी है भाई, दोनों टीमें बेहतरीन टीम है, जबरदस्त मुकाबला है। प्रो प्लेयर है, प्रो कबड्डी खेलते हैं, जो रेडर की बेहतरीन गौरव यूपी युद्ध प्लेयर, बेहतरीन भाई जबरदस्त खिलाड़ी। ये मुकाबला देखने के लिए दर्शक बिल्कुल उत्साहित हैं, क्योंकि जानते हैं दिल्ली वर्सेस लखावटी बुलंदशहर मुकाबला है, बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट का। और रेफरी सज चुके हैं, लाइनमैन सज चुके हैं और कोच सज चुका है, बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। दिल्ली की टीम बेहतरीन टीम, जिसकी कमान संभालेंगे जीवा, बेहतरीन खिलाड़ी 11 नंबर के साथ। मैं बता दूं आपको, जो इधर कमान संभाल रहे हैं जीवा 11 नंबर के साथ, बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो डिफेंस की कमान संभालेंगे, तो दूसरी तरफ भी 11 नंबर में गौरव हैं जो डिफेंस की कमान संभालेंगे, बेहतरीन खिलाड़ी। मुकाबला दिल्ली वर्सेस बुलंदशहर, बेहतरीन कड़ार, बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कोशी कला मथुरा का टूर्नामेंट, बेहतरीन टूर्नामेंट। कोशी प्रो कबड्डी लीग 2022 का उद्घाटन होता हुआ भाई, ये जो गदा है भाई, ये 500 ग्राम का गदा है, जो भी कोशी प्रो कबड्डी लीग को लगातार दो बार जीतेगा, ये उसको आधे किलो का जो गदा है वो दिया जाएगा। फीता कटता हुआ भाई, सभी दर्शक उत्साहित हैं, बेहतरीन टूर्नामेंट, सभी का धन्यवाद। अब मैच स्टार्ट होने जा रहा है, दिल्ली की टीम सारी बेहतरीन टीम, इधर बुलंदशहर लखावटी। टॉस होता हुआ भाई, दिल्ली के कैप्टन भारत और गौरव है लखावटी उत्तर प्रदेश के कैप्टन। परचय होता हुआ, गौरव प्रो कबड्डी खिलाड़ी हैं, यूपी योद्धा के खिलाड़ी हैं, स्क्वाड में शामिल रह चुके हैं, भारतीय बेहतरीन स्टार खिलाड़ी। टॉस होता हुआ, टॉस जीता है भारत, कैप्टन दिल्ली ने चॉइस कोर्ट और कोर्ट चूज किया है। मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा है, बेहतरीन भाई अनुभव भाई पहली रेड करेंगे, बेहतरीन खिलाड़ी है अनुभव। अनुभव बेहतरीन खिलाड़ी दिल्ली की तरफ रेड करते हुए पहली रेड, मुकाबला स्टार्ट हो चला है। 6 नंबर खिलाड़ी, क्या गजब का प्रयास है, क्या पॉइंट मिलेगा, लेकिन जिस तरह के बेहतरीन खिलाड़ी है, टच पॉइंट लिया है 10 नंबर के साथ मोहित, बेहतरीन जबरदस्त खिलाड़ी दिल्ली की तरफ से। जिस तरह अनुभव कामयाब हुए थे, क्या मोहित भी कामयाब होंगे, बेहतरीन खिलाड़ी दिल्ली की तरफ से, क्या बेहतरीन जबरदस्त प्रयास है। अंकित का जबरदस्त एंकल होल्ड था, बेहतरीन प्रयास किया और एक और पॉइंट। खाता खुलता हुआ, यूपी का डिफेंस काम कर रहा है, पॉइंट लेना पड़ेगा। 4 नंबर के साथ छोटू, बेहतरीन खिलाड़ी, लगातार अगले कॉर्नर पर अटैक किए जा रहे हैं छोटू 4 नंबर के साथ, क्या बेहतरीन प्रयास है, जबरदस्त अपने आप को पूर्वानुमान के साथ बैक होल्ड किया और कामयाबी। बिट्टू 10 नंबर के साथ, जबरदस्त खिलाड़ी है बिट्टू भी। बात की जाए दिल्ली की, क्या बेहतरीन ये है जबरदस्त चैन, अंकित और छोटू का जबरदस्त चैन, बेहतरीन कमाल। क्या ये पहली 2 मिनट के अंदर दिल्ली को ऑल आउट दे पाएगी बुलंदशहर। छोटू एक बार फिर सुपर टेकल ऑन है, ये बेहतरीन डांस है और सुपर टेकल मिला है देखने को, आप पिछाई नहीं दिखा सकते हैं। खाता खुला तो सुपर टैकल के साथ,
चाहे बॉर्डर हो या कबड्डी का मैदान हो, आप पीठ नहीं दिखा सकते हैं। बॉर्डर पे पीठ दिखाओगे गोली खाओगे, और यहाँ पीठ दिखाओगे डैश खाओगे। बेहतरीन मुकाबला दिल्ली वर्सेस बुलंदशहर लखावटी चलता हुआ, एक नंबर के साथ बेहतरीन खिलाड़ी करण, जबरदस्त खिलाड़ी है, एक बार फिर अनुभव वही लंबे कद के रेडर पहली रेड पे पॉइंट ले गए थे अपनी टीम के लिए। छह नंबर खिलाड़ी अनुभव क्या करेंगे, और सामने जीवा कद लागी बिल्कुल चरलाथन जैसी, रनिंग गेम का प्रयास लगाने का प्रयास, जबरदस्त टीम है बेहतरीन। जितने लंबे हैं जीवा उतने फुर्तीले, करण एक नंबर के साथ फिर एक बार, अरे एक बार फिर दिल्ली के रेडर जबरदस्त खिलाड़ी, बोनस का अवश्य प्रयास करना चाहेंगे। 4-2 स्कोर, पर कवर उनको ज्यादा अंदर नहीं जाने दे रहे। यह है बेहतरीन कमाल, लक्ष्य और गौरव का बेहतरीन टैकल, जबरदस्त कमाल, और कैच, स्कोर 5-2, और प्लेटर गवाया। छोटू एक बार फिर 4 नंबर के साथ, बुलंदशहर की साइड से एक बार फिर सुपर टैकल ऑन, तीन का डिफेंस, सुपर टैकल का मौका पकड़ लिए तो 2 पॉइंट निश्चित लगा देंगे। क्या भरत यहां फिर कमाल करेंगे, जबरदस्त डैश मिला था, बहुत ही मुश्किल, कोई मौका नहीं दे रहे और रनिंग अटैक का प्रयास है। छोटू की जो स्किल है वो भी रनिंग हैंड टच है, लेकिन नहीं, 11 नंबर खिलाड़ी दिल्ली की तरफ से एक बार फिर नए, पहली बार रेड में, रेड दिल्ली की तरफ से, सांस है सभी की थम गई है, मुकाबला टफ और बेहतरीन हो चला है, ना दिल्ली कम है ना बुलंदशहर कम है, क्योंकि दोनों ही टीमें जबरदस्त टीम है, कौन जीतेगा कौन सेकंड राउंड का सफर तय करेगा। छोटू एक बार फिर 4 नंबर के साथ बेहतरीन खिलाड़ी है, क्या जीवा को यहाँ बाहर करेंगे, एक या दो, 2 पॉइंट बिल्कुल, कैप्टन भरत बचे हुए हैं, क्या भरत यहाँ कामयाबी दिलाएंगे, टच पॉइंट लाना होगा, बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा, अगर रिवाइवल लेना है टच पॉइंट लेना होगा, जो ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा था वो बिल्कुल साफ देख सकते हैं, लास्ट खिलाड़ी बचे हैं, बोनस बिल्कुल मिला है, क्योंकि जानती है बुलंदशहर बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा, अच्छी रणनीति, बिल्कुल टाइम कटता हुआ धीरे धीरे, यह है गौरव का कमाल, लक्ष्य और गौरव की बार बार बेहतरीन टैकल, एक बार ऑल आउट मिल चुका है, 5.5 मिनट में टाइम आउट लिया, ये टूर्नामेंट बेहतरीन हो चला है, क्योंकि पहली 5 मिनट में ऑल आउट दिया है दिल्ली ने को, बुलंदशहर ने बेहतरीन मुकाबला हो चला है, दिल्ली भी कम नहीं वापसी करने में माहिर है, जीवा है भरत है मोहित है, बेहतरीन टीम स्टारों से सजी, अनुभव एक बार फिर, क्या बेहतरीन प्रयास था भरत का, लेकिन जीवा और भरत दोनों स्टार खिलाड़ी हैं, दस नंबर के साथ बिट्टू, लखावटी टीम बेहतरीन है, लेकिन दिल्ली उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर रही है जिस तरह के प्रदर्शन के लिए जानी जाती है, बिट्टू लक्ष्य है, नए खिलाड़ी युवा खिलाड़ी है भाई, क्या यहाँ टैकल देखने को मिलेगा, बिल्कुल थाई होल्ड किया है, जबरदस्त मोहित एक बार फिर, बहुत ही फुर्तीले, क्या एक बार फिर टैकल देखने को मिलेगा, ये लगातार तीसरा टैकल है गौरव और लक्ष्य का, बेहतरीन चयन है भाई अनुभव, 6 नंबर के साथ एक बार फिर, जिस तरह का मुकाबला शुरू में लग रहा था बिल्कुल ऐसा मुकाबला नहीं मिला है देखने को, लेकिन वापसी करने में माहिर दिल्ली, क्या वापसी करेगी, बहुत लंबे रेड रहे अविनाश,
अनुभव बेहतरीन युवा खिलाड़ी 6 नंबर के साथ, बिट्टू 10 नंबर के साथ बेहतरीन खिलाड़ी। गठीला शरीर, बिल्कुल एक पहलवान की तरह काम करते हुए लखावटी के पाले में। आप ओपन वजीर सिंह अपने ऐसी रेड मारते देखे हैं, बड़ी धीमे शुरू करके फिर बहुत फुर्ती में रेड लगाते हैं। अगली रेड फिर बलख शहर की तरफ से लक्ष्य 4 नंबर के साथ। क्या यहाँ देखने को मिलेगी एक और बेहतरीन रेड, जबरदस्त एंकल पर डाई लगाई थी 2 पॉइंट और धीरे धीरे ये लीड पहाड़ सी होती जा रही है। क्या दिल्ली इस लीड को कवर करेगा? मध्यांतर का समय अभी 7 मिनट है, लेकिन बेहतरीन टीम दिल्ली भी वापसी करने में माहिर है। अनुभव 6 नंबर के साथ सुपर टैकल ऑन है, क्या सुपर टैकल देखने को मिलेगा? टीम की जो मजबूती है वो जीवा है, लेकिन जीवा बाहर बैठे हैं अभी। एक बार फिर करण 1 नंबर के साथ, क्या बेहतरीन डैश, जबरदस्त डैश अर्जुन का, अर्जुन और हिमांशु बेहतरीन खिलाड़ी। दिल्ली को अगर वापसी करनी होगी तो टैकल बाई टैकल करने होंगे, रेड में काम करना होगा। बिट्टू उनके जो भी कोच हो वो मंच पर आ जाए, मंच पे आके संपर्क कर ले। लास्ट खिलाड़ी 11 नंबर दिल्ली की तरफ से, लगातार ऑल आउट का दोबारा खतरा मंडराता हुआ। 9 मिनट का समय हुआ है अभी और दूसरी बार ऑल आउट का खतरा, बोनस दिया है बिल्कुल, लेकिन बोनस से खिलाड़ी रिवाइवल नहीं मिलेगा। अंकित बोनस प्लस 1 पॉइंट, एक टच पॉइंट और एक बोनस। अकेले रोकना चाहते थे अंकित, एक बार तो कैच करने में 2 पॉइंट मिलते हैं। दिल्ली एक बार टैकल कर चुका है, लेकिन भरत फिर बचे हैं लास्ट खिलाड़ी, सब इंस्टीट्यूट किया गया है। पहला सब्स्टिट्यूट किया दिल्ली ने, रेडर को अंदर भेजा, डिफेंडर को बाहर बुलाया। साहिल बेहतरीन खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, भरोसा जताया है भरत ने, सब इंस्टीट्यूट किया है। पिछली बार भी बोनस देने के बाद एक पॉइंट भी लगाया था, इस बार शायद वही गलती नहीं करना चाहिए, बहुत ही अंदर गए, बहुत अंदर तक वार किया है। 25-26 वही काम किया, पहले अंकित ने किया था, इस बार अर्जुन ने किया है। बोनस प्लस 1 सेकंड सब्स्टिट्यूशन, भरत अंदर आए हैं क्योंकि भरत और जीवा दोनों डिफेंडर हैं बेहतरीन। देखना होगा क्या ये मिलकर सुपर टैकल कर पाएंगे, क्या सुपर टैकल मिलेगा। जीवा को तो देख के लगता है कर ही सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हुए थे भैया, ये सब्स्टिट्यूट हुए थे। लक्ष्य सुपर टैकल का मौका पकड़ लिए, तनिष्ठ सिंह 2 पॉइंट कमाएंगे अपनी टीम के लिए। और ये क्या बेहतरीन, ये जबरदस्त प्रयास है, सामने को रनिंग हैंड टच किया है, 1 पॉइंट कमाएंगे अपनी टीम के लिए। और फिर एक बार आखिरी रेडर भरत दिल्ली की टीम के, इस बार सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, चुके हैं अब तक। जिस तरह के कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, एक पॉइंट पॉइंट दिया है और रेफरी ने मान लिया, बहुत अच्छे, आपस में डैश ना करें, खेल भावना दिखाएं, कोई बात नहीं। स्कोर 19-9 स्कोर है, 19 और दिल्ली 9, ये मजबूती है इस खिलाड़ी। जाते हैं सामने कॉर्नर पे, बड़े ही प्यार से टच करते हैं और पॉइंट ले आते हैं, बड़े डरते भी दिल्ली के रेडर बहुत तेज।
हर बार ऑल आउट बचा जाते हैं क्या, एक इस बार क्या होगा जानने के लिए देखते रहे। अकेला चना भाड़ फोड़ रहा है, कब तक फोड़ेगा भाड़ देखना होगा। बोनस का मौका दे रही है बुलंदशहर की टीम दिल्ली के इस रेडर को। भारत बोनस ले लो, पॉइंट हम देंगे, कैप्टन है, बोनस दिया है बिल्कुल, लेकिन टच पॉइंट चाहिए अगर रिवाइवल लेना है तो। लेकिन इस बार ये हिमांशु पाड़ा से हिमांशु और अर्जुन बोनस टू डेवी ऑल आउट 3.2 मैच है। आखिरकार पूरी टीम खड़ी हो गई है, बहुत समय तक बचाया है, ऑल आउट बहुत जुझारू पर दिखाया दिल्ली की टीम ने। अभिनव एक बार फिर मरेंगे पर इतनी आसानी से नहीं, बहुत ही अच्छे जिसको बोलते हैं खेल कबड्डी का खेल। एक बार फिर रफ्ते करके ये रेडर बुलंदशहर की तरफ से अब अनुभव क्या, यहाँ ये है का मजबूती, बहुत ही अच्छा, ये जीवा की मजबूती है। मोहित एक बार फिर देख के तो ऐसे लगता है अकेले पांचों को भी उठा सकते हैं। धीरे धीरे जो लीड है उसको कम करती जा रही है दिल्ली, कहां तक कम करेगी, मध्यांतर का समय करीब है बिल्कुल। लगातार एक ही जगह फुटमार्क दिखा रहे हैं दिल्ली के रेडर, बेहतरीन खिलाड़ी मोहित, जबरदस्त खिलाड़ी है। और अब फिर रेड बुलंदशहर की तरफ से चार नंबर खिलाड़ी छोटू, बेहतरीन खिलाड़ी, समझ आ गया, छोटू जबरदस्त खिलाड़ी है और काम भी, लेकिन ये जीवा की गलतियां हैं। अगर जीवा ऑल आउट होते हैं तो टीम उनको रिवाइवल नहीं करा पाती है, पहले बेहतरीन काम किया था बिट्टू, लास्ट मिनट स्टेज है मध्यांतर में, लेफ्ट पहले आपका आखिरी एक मिनट, पत्रे दो पत्रे के ये दो हाफ बिल्कुल बचाव करते हुए, रेडर बाहर ही अपना बेहतरीन डिफेंस काम कर रहा है बुलंदशहर का, लखापटी का बेहतरीन रेडर काम कर रहे हैं छोटू एक बार फिर। अब ये रेड बुलंदशहर की तरफ से, बुलंदशहर अब तक अच्छी लीड बनाई हुई है, मध्यांतर की बिल्कुल समय करीब, अच्छा ये लास्ट अंतिम क्षण चलते हुए मध्यांतर के, दिल्ली की टीम और थोड़ी फुर्ती दिखानी होगी, क्या दिल्ली सेकंड हाफ में वापसी करेगी। पच्चीस छब्बीस और शायद इस हाफ की फर्स्ट हाफ हो सकती है, आखिरी 15 सेकंड है। गौरव बिल्कुल सतर्क चौकन्ने एकदम, लेकिन ये गलती है, बिल्कुल अधूरे मन से चल रहे थे और मध्यांतर हो चला है। पहले आपकी समाप्ति पर स्कोर 24 बुलंदशहर 12 दिल्ली, दुगने का फर्क, 12 पॉइंट की लीड है अभी, क्या दिल्ली वापसी करेगी यहाँ से। मध्यांतर के बाद गेम एक बार फिर स्टार्ट होता हुआ, सेकंड हाफ स्टार्ट दिल्ली की तरफ से, मोहित अनुभव एक बार फिर इस बार रे बुलंदशहर की तरफ से, दिल्ली अभी दुगने के अंतर से पीछे, युवा खिलाड़ी है, स्कोर अभी भी 12-24, लंबी कद काठी के खिलाड़ी है, सामने बिल्कुल यहाँ पॉइंट मिला है, अगले कॉर्नर को बाहर किया, शिकार देखा पापा और शिकार किया बिट्टू एक बार फिर 10 नंबर के साथ, बहुत अच्छे एक पॉइंट और कमाया बुलंदशहर के इस रेडर में। लीड धीरे धीरे पहाड़ सी होती जा रही है, खेल दिखाया है बुलंदशहर की टीम ने, रेडर भी उतने ही समझदार और डिफेंडर भी उतने ही समझदार, कोई खास गलती अब तक दिखी नहीं है और कह रही, लेकिन ये गलती बहुत ही भार भाई पकड़ के चले गए। हिमांशु बेहतरीन खिलाड़ी है, पॉइंट दिल्ली के लिए फिर आस अच्छा था, और आम आदमी पार्टी के चेयरमैन जो प्रचार छोटू चार नंबर के साथ एक बार फिर जीवा पर अटेम्प्ट है, सिकंजी की व्यवस्था की गई है, कुछ देर में आपके समक्ष आ जाएगी।
बेहतरीन खिलाड़ी छोटू जीवा गलती कर रहे हैं, ब्लॉक करना चाहते थे, होल्ड करना चाहते थे, लेकिन एक और पॉइंट पैर नहीं उठाए पर कैच हो सकता। साहिल एक बार फिर दिल्ली के ये रेडर युवा खिलाड़ी पाले में क्या खलबली मचा पाएंगे कुछ दर्शकों को इंतजार। ये गौरव होल्ड करना चाहते थे, वे होल्ड करना चाहते थे, बहुत मार देख लिया है गौरव को। और अब फिर ये नब्बे गज के रेडर अब तक कमाल दिखाया है प्रेमियों के लिए, लगातार पॉइंट ला रहे हैं। एक बार भी इनकी कैच नहीं हुई है। अनुभव बेहतरीन खिलाड़ी, अनुभव से खेलते हुए बहुत ज्यादा प्रयास करते हुए, टैकल नहीं मिला है अभी तक देखने को। एक बार पता है कि लीड पे है तो ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। क्या बेहतरीन टो टच है, बिल्कुल आवाज आई है लेकिन नहीं पर एम्पायर ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 14-26 बुलंदशहर भी लीड में है। लीड बहुत ज्यादा है, क्या दिल्ली वापसी करेगी यहाँ से, लेकिन जिस तरह का गेम दिखा रही है, अर्जुन पर प्रयास है, बिल्कुल स्वीकार किया है अर्जुन ने। दिल्ली धीरे धीरे वापसी करती हुई मैच में, ऐसे ही गेम दिखाना होगा, ऐसे ही वापसी करनी होगी। रेड कर रहे हैं बुलंदशहर की तरफ से और ज्यादातर कामयाब हुए हैं अपनी हर रेड। अनुभव ओहो बीट दिखाई, लेकिन इस बार जबरदस्त होल्ड है, बहुत ही शानदार ये कैच। एक पॉइंट और दिल्ली के लिए, अब बचे हैं मात्र चार खिलाड़ी, क्या यहाँ से ऑल आउट की ओर ले जा पाएंगे साहिल को। दिल्ली के लिए लगातार एक छोटे रेड डाले जा रहे हैं, साफ मेरी होगी इनके स्टेमिना को। पूरा अंदर जाके ट्राई कर रहे हैं युवा खिलाड़ी है, लेकिन ये छोटू का कमाल है, जबरदस्त टीम ने इशारा किया था तालियां बजा कर। राम सिंह ठेकेदार लक्ष्य 12 नंबर के साथ युवा खिलाड़ी 27-16 स्कोर है। कॉर्नर पे कॉर्नर कोई मौका नहीं दे रहे, बुलंदशहर के बाहर बाहर रेड डालते हैं, चाहते हो कि डिफेंडर गलती करे। एक बार फिर यही रेड मोहित लगातार शायद पांचवी छठी रेड दे रहे हैं। ये कमाल है गौरव का, ये मजबूती है, ओहो बिल्कुल बेहतरीन, जबरदस्त है रेडर राव। डिफेंडर ने दिखाया अपनी भुजाओं का बल, छोटू बाहर फेंक लिया, थोड़ा सा और कवर करते हैं तो शायद रेडर पार जा सकते थे। सामने रनिंग एंडलेस का क्लेम क्या है, टी शर्ट कश्मे वादों का दौर है, आपने सीजन ना सुनाए कश्मे वादों का दौर है। नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, रेफरी की आंखें सीसीटीवी से भी थी, शायद 10 मिनट बाद रिकॉर्ड हुआ दोबारा देख ले, आंखों में रिकॉर्ड कर लेते हैं दोनों रेफरी हमारे, बहुत ही मुश्किल है। एक बार फिर ये छलांग है, क्या यहाँ दो पॉइंट मिलेंगे, बेहतरीन बिट्टू की जबरदस्त छलांग मारी थी, लाइन जंप किया था और कामयाबी। आगे कुआ पीछे खाई है, ये स्वीकार किया जाएगा, बिल्कुल लिया है पॉइंट, जिस तरह के कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, बहुत अच्छे स्कोर 29-18 लगातार लीड में, 11 पॉइंट की अभी भी लीड, लेकिन लेकिन दिल्ली वापसी करता हुआ छोटू छोटू जबरदस्त खिलाड़ी भाई, 4 नंबर के साथ 30-18 स्कोर अभी भी, पर यहाँ शायद थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं।
बताया हमारी टीम लीड में है, थोड़ा मैच को रोक रहे हैं, थाम रहे हैं, संभाल रहे हैं। भरत ने वो काम किया है जो करना चाहिए था, कैप्टन है, लेकिन जीवा अपना कमाल नहीं दिखा पाए हैं आज। 27-28 बिट्टू एक बार फिर रेड में, बेहतरीन जंप किया था पहले, बिट्टू जबरदस्त खिलाड़ी है लेकिन गौरव कमाल के कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर है लखावटी की तरफ से। ओहो बीच में खड़े हो गए, बीच में ललकारा, बहुत अच्छे, ऐसी हिम्मत किसी किसी खिलाड़ी में होती है। लक्ष्य है 12 नंबर के साथ युवा खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी लखावटी का उभरता हुआ सितारा, बहुत अच्छे। इसी प्रकार के खेल की दर्शकों को उम्मीद थी, बहुत ही खतरनाक खेल चलता हुआ। टाइम आउट लिया है दिल्ली ने, मोहित एक बार फिर टाइम आउट लिया था दिल्ली ने, सारे दर्शकों के लिए। दस नंबर के साथ मोहित एक बार फिर दिल्ली के लिए रेडर। ओए होए होए, क्या बेहतरीन किक है, जबरदस्त टो टच किया है अनुभव। अनुभव बेहतरीन खिलाड़ी, बॉलर शॉन है, क्या जबरदस्त, ये बेहतरीन प्रयास, और कॉर्नर पर मार था, टो टच किया था, बेहतरीन प्रयास और स्वीकार भी किया। कुछ कुछ बेईमान आ जाते हैं बड़े बड़े, बिट्टू एक बार फिर, पर यहाँ ज्यादातर टीमें जो भी आती हैं, क्या बेहतरीन प्रयास है गौरव का, टाइम इतना टाइम नहीं देते हैं गौरव अमूमन। छोटू एक बार फिर 4 नंबर के साथ, जबरदस्त खिलाड़ी, धीमे धीमे रेड की शुरुआत, जो ये टैकल देखा था गौरव का, इतना टाइम नहीं देते हैं, लेकिन बिट्टू लगातार जमे हुए थे, वापसी कर पाए, टाइम काटो, मैच की स्पीड रोक लो, झगड़ा कर दो खिलाड़ियों को, बिल्कुल शांत कर दिया है गेम लखावटी बुलंदशहर ने। 26-26-27-28 एक बार फिर दिल्ली गए रेडर, अब तक काफी पॉइंट ले चुके हैं टीम के लिए, बेहतरीन गेम बोनस का प्रयास, बोनस प्लस वन, मात्र कवर का खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी मोहित, जबरदस्त वापसी करती हुई दिल्ली, लेकिन कब तक वापसी करेगी ये देखना होगा। 5 खिलाड़ी, 5 का डिफेंस, बेहतरीन डिफेंस, और 30 सेकंड वेस्ट करे जाएंगे, इसे बोलते हैं खेल को धीमा करना। हाय हाय जोश में आए, नहीं 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 गलत फहमी थी। 28-29 मोहित बहुत जल्दी रेड करते हैं, मोहित एक बार फिर लगातार रेड डाल रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, क्या वापसी कर पाएंगे, एक मात्र हमें इनकी टीम से ऊर्जावान खिलाड़ी दिख रहे हैं लगातार, यह प्रयास किया है अंकित ने, कॉर्नर को छकाया, कॉर्नर ने सोचा बोनस देंगे, लगा उठाऊंगा, उन्होंने सीधा हाथों बार किया, बहुत अच्छे लक्ष्य बार नंबर के साथ, ईमानदारी का परिचय यही होता है, बहुत अच्छा रेफरी को हंसी मुस्कान, 12 नंबर के साथ, ओहो जय बहादुरी प्रयास था, इस बार जाने नहीं दिया, एक पॉइंट दिल्ली के लिए और 9 पॉइंट का अंतर, बस बिट्टू टीमों के बीच, क्या वापसी कर पाएगी दिल्ली की टीम, धीरे धीरे वापसी करती हुई बेहतरीन टीम दिल्ली, और वापसी कर रही है जबरदस्त, अब तो ऑल आउट हो तो बात बने, और छोटू एक बार फिर 4 नंबर के साथ, ये बिल्कुल हैंड टच का प्रयास है, और मोहित पर प्रयास किया है और स्वीकार भी किया है, अंतर बढ़ के 10 पॉइंट का,
एक पॉइंट और लेंगे भरत नायर के ये रेडर और उनके मेन रेडर मोहित को बाहर किया बिट्टू, इसको बोलते हैं झले पे नमक। 10 नंबर के साथ बेहतरीन खिलाड़ी दिल्ली की तरफ से, पांच मिनट में पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल, क्या कुछ कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? बेहतरीन डैश है, बेहतरीन जबरदस्त, और रेडर बाहर गए। हिमांशु का ये जबरदस्त टाइम आउट लिया है बुलंदशहर ने, इसी के साथ टाइम आउट लिया था लखावटी बुलंदशहर ने और सब्स्टिट्यूट किया है पवन को, 5 नंबर खिलाड़ी पवन, बेहतरीन खिलाड़ी अंदर आए हैं, वॉक लाइन क्रॉस की है, जितनी भी टीम है इस टूर्नामेंट को खेल रही है, 5 का डिफेंस है, वो मंच पर आकर एक बार संपर्क कर रहे हैं। और अगली दोनों ही टीमें रोहतक और बदरपुर, दोनों ही टीमें तैयार हो जाए जल्दी, बहुत जल्दी रेड किया, दोनों ही टीमें तैयार हो जाए। ये गौरव का एंकल होल्ड था लेकिन साथ दिया, सहयोग मिला अर्जुन का, चार नंबर के साथ बेहतरीन खिलाड़ी, पहली बार रेड डाल रहे बुलेट चेयर के रीडर, 12 पॉइंट का फिर नाचे शुरू किया था पेन के बाद फिर वही पहुंच गए हैं। गेम बिल्कुल धीरे हो चला है, धीमा हो चला है गेम, क्योंकि लास्ट मिनट अंतिम क्षण चलते हुए इस मैच के, और लीड अभी भी 12 पॉइंट की, पता है लीड 12 की, इसको मेंटेन करके रखना है, लीड मिनट का वक्त शेष इस मैच में, थर्ड रेड टू और डाई रेड आनी है, 4 का डिफेंस है, इस रेड पे क्या पॉइंट कुछ कमा पाएगी दिल्ली की टीम? ये बेहतरीन पकड़ने का प्रयास था, हाई होल्ड करने का प्रयास था, लेकिन अपने आप को संभालते हुए सेव करते हुए किक लगाई बैक किक और कामयाब, छोटू डू और डाई में साहिल, युवा खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी हैं, आखिरी एक मिनट, लास्ट मिनट का समय शेष, महज औपचारिकता बाकी इस गेम में, अब 13 पॉइंट का अंतर, मात्र औपचारिकता है बाकी, अब तो जाएंगे टाइम पास, 4 नंबर खिलाड़ी खड़े होके कहेंगे हमने, सुपर टैकल ऑन है, सुपर टैकल ऑन, क्या यहां वापसी करेगी दिल्ली, लेकिन एक एक मिनट में अब तो बाहर जाके पकड़ लो जो ये लीड है, आखिरी 30 सेकंड से इस मैच के, कम 13-14 पॉइंट की लीड करीब, 27-28, शाहिल युवा खिलाड़ी हैं, और शायद ये आखिरी रेड हो सकती है अपने 10 सेकंड से इस मैच के, दिल्ली की साइड से रेड आ गए हैं, ओहो 2 पॉइंट लास्ट में, स्कोर बता दें भाई, मैच की समाप्ति पर 36-25 के साथ यहां विजय होती हुई बुलंदशहर, और मैं आपको दिखा दूं जिसके लिए ये टूर्नामेंट चल रहा है, इसी के साथ ये ट्रॉफियां आपके सामने रखी हुई हैं, दर्शक सभी शांत बिल्कुल, 11 पॉइंट के अंदर से जीती बुलंदशहर की ये टीम, 31,000 फर्स्ट और 21,000 सेकंड के लिए, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद सभी के लिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सभी तालियां बजा रहे हैं, दिल्ली की भी टीम बेहतरीन टीम थी, और अब रोहतक और बहादुरगढ़, दिल्ली का सफर समाप्त हुआ है यहां पर, यार गलत ना बताया, कोसी प्रो कबड्डी लीग 2022 का मुकाबला है ये, थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद, आगे वीडियो में आपको ऐसे ही देता रहूंगा।